यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसलिस। बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, जहां पर मुठभेड़ हो गई है जवानों और आतंकियों के बीच। तो पुलवामा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से। और मुठभेड़ में अभी तक दो आतंकी ढेर हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बलों पर हमले का आरोपी समीर अहमद बट भी ढेर हो गया है। तो ये बड़ी कामयाबी भी कह सकते हैं, इस पूरी मुठभेड़ में दो आतंकी ढेर हो गए हैं। आपको बता दें कि जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई है जम्मू कश्मीर से, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मुठभेड़ में दो आतंकी ढेर हो गए हैं। तो यहाँ पर सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है, सुरक्षा बलों पर हमले का आरोपी समीर अहमद बट भी ढेर हो गया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ हो गई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलवामा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई है और इस बीच दो आतंकी भी ढेर हो गए हैं। और सुरक्षा बलों पर हमले का आरोपी समीर अहमद बट भी ढेर हो गया है। ये बड़ी कामयाबी हमारी सेना को प्राप्त हुई है, जिसमें सुरक्षा बलों पर हमलावर समीर अहमद बट भी ढेर हो गया है। तो ये बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, जहां पर सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में दो आतंकी ढेर हो गए हैं। जम्मू कश्मीर की बड़ी एक खबर आपको बता रहे हैं, पुलवामा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई है, मुठभेड़ में दो आतंकी ढेर हो गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षा बलों पर हमले का आरोपी समीर अहमद बट भी ढेर हो गया है। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई है और इस मुठभेड़ में दो आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि सेना पर हमलावर आतंकी समीर अहमद बट भी ढेर हो गया है इस पूरी मुठभेड़ में। तो ये सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में फिर से सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें दो आतंकियों को ढेर कर दिया गया है।